नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। बेहद बड़ी खबर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर खबर निकल के आ रही है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा। ममता बनर्जी किसी भी वक्त ले सकती हैं बड़ा एक्शन। खबर में दोस्तों आगे आपको बताते चलें, ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने कराया था अभिषेक बनर्जी पर हमला। ये बड़ा खुलासा दोस्तों हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके भतीजे एवं टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में हाल में किए गए हमलों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कहा है कि वह ऐसी हरकतों के आगे घुटने नहीं टेकेंगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए अमित शाह के खिलाफ किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है और त्रिपुरा भेजे जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी जांच करेंगे, जिसके बाद रिपोर्ट ममता बनर्जी को सौंपेंगे। साथ ही साथ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की मदद के बिना ऐसे हमलों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इन हमलों के पीछे उन्हीं का हाथ है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री में ऐसे हमलों के निर्देश देने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा वो तो शुक्र था कि अभिषेक बनर्जी को एक बुलेट प्रूफ कार दी गई थी, वरना कोई भी गंभीर घटना हो सकती थी। देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और बढ़ सकती हैं इनकी मुश्किलें। ममता बनर्जी खटखटाएंगी कोर्ट का दरवाजा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही थी दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग भी ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा #अमित शाह।